अब कंगना ने खोली विकास की पोल, कहा मुझसे कहते थे मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। कंगना ने विकास बहल के साथ फिल्म क्वीन में काम किया था। फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। तनुश्री नाना पाटेकर हैरेसमेंट मामला सामने आने के बाद लगातार कई और केस सामने आते जा रहे हैं। इसी बीच फैंटम फिल्म्स की एक एम्प्लॉई ने भी डायरेक्टर विकास बहल द्वारा किए गए हैरेसमेंट का मुद्दा दोबारा उठाया है। एम्प्लॉई का आरोप है कि 2015 में फिल्म बॉम्बे वेलवेट का प्रमोशनल टूर गोवा में था, जहां विकास ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। कंगना ने उस लड़की का आरोप सच होने की बात कही है। कंगना ने खोले राज। कंगना ने उस एम्प्लॉई के सपोर्ट में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है, विकास और मैं जब 2014 में क्वीन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त वे रोज यही कहते थे कि वे हर दिन नई लड़की के साथ रिलेशन बनाते हैं। कंगना ने कहा, हम जब भी मिलते थे वह पीछे से मुझे कसकर पकड़ते थे और मेरे बालों को सूंघते थे। उस वक्त मुझे उन्हें हटाने में काफी जोर लगाना पड़ता था। फैंटम बंद होने का असर। हाल ही में अनुराग कश्यप, विकास बहल का कंबाइंड प्रोडक्शन हाउस फैंटम फिल्म्स बंद हो चुका है, जिसके बाद विकास पर आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ। कंगना ने अपने बयान में इस बात का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा, विकास अब पावर में नहीं है, लेकिन ऐसे अवसरवादी बयान नहीं होने चाहिए। सही समय पर सच बोलने की हिम्मत दिखानी होगी, वरना ये सिर्फ गॉसिप बनकर रह जाएगा। ये है पूरा मामला। महिला के मुताबिक 5 मई 2015 को विकास ने मुझे मेरे होटल के रूम तक छोड़ने के लिए पूछा। इसके बाद उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। विकास ने मुझसे ड्रॉप करने के बारे में पूछा तो मैंने मना कर दिया, मगर इसके बाद उन्होंने दोबारा मुझे साथ आने के लिए कहा। जब हम रूम पर पहुंचे तो मैं तेजी से बाथरूम की तरफ भागी। जब मैं बाहर आई तो देखा कि वे मेरे बेड पर लेटे थे। मैंने उनको कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। चुप रहने वालों पर भड़की कंगना। कंगना ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि अब जब फैंटम फिल्म्स बंद हो गई है, लोग विकास बहल के खिलाफ बात कर रहे हैं। कंगना ने कहा, दश पहले जब उस महिला ने मदद मांगी थी तो सब चुप रहे, मामले को दबा दिया गया। हालांकि मैंने तब भी उसका सपोर्ट किया था। ऐसे समाज को खुद पर शर्म आनी चाहिए। कायरो जाकर आईने में अपना चेहरा देखो। अगर हमारे समाज में बुराई है तो कम से कम इसे स्वीकार करने की ईमानदारी तो दिखाइए। मणिकर्णिका है अगली फिल्म। कंगना इन दिनों अपनी फिल्म मणिकर्णिका के रीशूट में व्यस्त हैं। फिल्म जनवरी 2019 में रिलीज होगी। यह फिल्म झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और 1857 की क्रांति पर आधारित है। फिल्म में कंगना के अलावा अंकिता लोखंडे भी हैं, जो बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं।